गहलोत रहेंगे मुख्यमंत्री या नहीं? अध्यक्ष पद चुनाव से हटते ही बढ़ा सस्पेंस। वेणुगोपाल ने दिया बड़ा बयान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की किस्मत का फैसला एक या दो दिनों में होने वाला है। इसका फैसला कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी करने वाली है। कहने का मतलब है कि एक या दो दिनों में साफ हो जाएगा कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत रहेंगे या नहीं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में नामांकन को लेकर अशोक गहलोत का नाम सामने आया था, जिसके बाद राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और पायलट गुट के बीच सियासी खींचतान शुरू हुई। इस घटना को लेकर आलाकमान ने अशोक गहलोत से बातचीत की और स्थिति को जाना। गुरुवार की देर शाम सचिन पायलट भी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक राजस्थान के सीएम पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक या दो दिन में फैसला करेंगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तटस्थ हैं। कुछ इंतजार के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। No, that we already told. Congress president is going to be a neutral in this election. You just wait for the nominations. We will get a clear cut picture tomorrow evening. Mr. Ashok Gehlot said that he is taking moral responsibility, is not contesting. Yeah. Is there a possibility now Mr. Ashok Gehlot continuing as chief minister of the state, or because he's left it to Congress president? That decision Congress president will take within one or two days. So there is a possibility of him resigning before that? No, I cannot say anything. That decision of chief minister of Rajasthan will be decided by the Congress president within one or two days. That's all. दरअसल राजस्थान के सियासी ड्रामे के पार्ट टू को लेकर जयपुर से दिल्ली तक असर दिखा। अशोक गहलोत गुरुवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मिलकर तीन दिन पहले की घटना के लिए माफी मांगी। खुद के सीएम पद पर रहने या न रहने का फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ दिया, लेकिन गहलोत ने इस्तीफे पर बात नहीं की। उन्होंने फैसला लेने का अधिकार सोनिया गांधी पर छोड़ने की बात कही। तो मैंने तय किया है, अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सर? ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। बड़ी बात यह है कि एक तरफ अशोक गहलोत सोनिया गांधी से माफी मांगने में जुटे थे, दूसरी तरफ जयपुर में गहलोत समर्थकों ने बगावत का ऐलान कर दिया। गहलोत गुट ने साफ कर दिया कि सचिन पायलट और उनका गुट गद्दार है, उन्हें सत्ता जाने का कोई गम नहीं है, लेकिन सचिन पायलट को सीएम के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ गहलोत गुट ने अजय माकन पर भी सचिन पायलट के साथ मिलकर अशोक गहलोत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगा दिए। देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान का सियासी संग्राम किस करवट बैठता है। हालांकि केसी वेणुगोपाल ने एक दो दिनों में राजस्थान सीएम पर फैसले की बात कही है और 30 सितंबर तक कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन होने हैं। हो सकता है नामांकन खत्म होने के बाद 30 सितंबर की शाम कोई बड़ा फैसला सामने आए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।